Hello everyone and welcome back to my channel that's Concept Improver. Today in this video we are going to continue with class 10 history chapter number 2 that is nationalism in India. और ये जो है थर्ड पार्ट है इस चैप्टर का. जो फर्स्ट टू पार्ट थे वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वहाँ से जाकर के वो वीडियोस देख सकते हो. सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम चलो आप थोड़ा पढ़ लेते हैं. तो लास्ट क्लास लेस वीडियो सेशंस में हमने बहुत से टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे. हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था इस चैप्टर का. तो हमने पढ़ा था कि मॉडर्न नेशनलिज्म क्या था, हमने पढ़ा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, कब स्टार्ट हुआ और उसके वजह से जो है इंडिया के लोगों को जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिली. इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नेक्स्ट सब पॉइंट जो कि है रॉलेट एक्ट. अब रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पास किया गया था. ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा, ठीक है, जो उस टाइम पे जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी इंडिया के अंदर. इस लॉ के कारण जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो है बहुत बड़ी पावर मिल जाती है. क्या पावर थी वो, कि अब जो है अगर कोई जो है रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया उसे सीधा 2 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी ट्रायल के. मतलब उसे मौका नहीं दिया जाएगा अपनी बेगुनाही को साबित करने का, ठीक है, उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा. और अगर वो कोई भी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता पाया गया, अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए किसी लॉ को या ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कोई आंदोलन करता पाया गया उसे बिना किसी ट्रायल के बिना कोई मौका दिए जो है 2 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया जाएगा. तो इतना खराब जो है ये कानून था, ठीक है. इसी कारण से जो है ब्लैक लॉ के नाम से भी जो है इस कानून को बुलाया गया. अब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया जिसे उन्होंने नाम दिया था रॉलेट सत्याग्रह. अब ये सत्याग्रह मूवमेंट चला था पूरे देश में, ठीक है. अब तक हमने पढ़ा कि उन्होंने जो है 3 सत्याग्रह मूवमेंट जो है लड़ चुके थे वो, लेकिन वो जो है अलग अलग कोनों में जो है इंडिया के उन्होंने लड़े थे. लेकिन ये जो सत्याग्रह मूवमेंट चलने वाला था ये पूरे देश में चलने वाला था, ठीक है. इस मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा 6 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने कहा था कि हम जो है इस मूवमेंट को शांति से करेंगे. उनके कहने पर लोगों ने जो है हड़ताल कर दी, वर्कर्स जो है स्ट्राइक पे चले गए, दुकानों को, वर्कशॉप्स को, रेलवे को जो है बंद कर दिया गया. अलग अलग जगह पे जो है रैलीज को जो है ऑर्गेनाइज किया गया. अब ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था. क्या डर लगने लगा था, कहीं ये वर्कर्स जो है कम्युनिकेशन लाइन को खराब ना कर दे. इससे बचने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारे पॉलिटिकल जो लीडर्स थे अमृतसर के उनको जो है जेल में डाल दिया. इसके अलावा गांधी जी के दिल्ली जाने पर उन्होंने रोक लगा दी. अब 10 अप्रैल को अमृतसर की पुलिस ने क्या किया, शांतिपूर्वक चल रहे एक जुलूस के ऊपर गोलियां चला दी जिसके कारण लोग जो है भड़क गए, ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे जो है हमला कर दिया, तोड़फोड़ करने लगे वो लोग. तो इन हमलों को जो है, इन तोड़फोड़ को जो है देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है एक लॉ जो है पास कर दिया जिसको उन्होंने नाम दिया था मार्शल लॉ का. अब ये लॉ क्या होता है, जिसके वजह से इस लॉ के कारण क्या हो जाएगा, इस लॉ के कारण जो है पावर जो है अब मिलिट्री के पास चली जाएगी. इस लॉ के कारण जो पावर थी मिलिट्री के पास चलेगी और मिलिट्री की कमांड थी किसके पास में, जनरल डायर के पास में. तो जनरल डायर के पास में जो है मिलिट्री कमांड थी. अब देखो क्या हुआ, 13 अप्रैल के दिन बहुत सारे लोग जो है जलियांवाला बाग जो कि अमृतसर में है वहां पर इकट्ठे हो रखे थे क्योंकि वहां पे जो है बैसाखी का मेला लगा हुआ था. अब देखो ज्यादातर जो लोग उस मेले में आए थे उन्हें पता ही नहीं था मार्शल लॉ के बारे में, पर कुछ लोग ऐसे भी थे उस मेले के अंदर जो कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे. जब जनरल डायर को ये पता चला कि लोग जो है जलियांवाला बाग में जो है इकट्ठा हुए हैं तो अपनी आर्मी को लेकर के वो वहां पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद वो जो है जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे उनको बंद करवा देते हैं, ठीक है. और इसके अलावा वो क्या करते हैं, गोलियां चलाने का जो है ऑर्डर दे देते हैं अपनी आर्मी को, जिसके कारण से बहुत सारे मासूम लोगों की जो है जान चली जाती है. इस इंसिडेंट को आज हम जानते हैं जलियांवाला बाग इंसिडेंट के नाम से. और नॉर्थ इंडिया के लोग जो है अब रोड पे आ जाते हैं, हड़तालों पे उतर जाते हैं. इसके अलावा जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स थी उन पे हमला कर देते हैं. अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इतनी ही पावर से उनको झुकाने की कोशिश करती है. वो क्या करती है, उनसे सैल्यूट करवाती है, उनसे नाक रगड़वाती है. इसके अलावा जो है उनके ऊपर कोड़े जो है चलवाती है और कुछ गाँवों के ऊपर तो जो है बॉम्ब भी जो है फेंक दिए जाते हैं. अब गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि जो है वॉयलेंस हो. ये सब देख करके उन्हें बहुत बुरा लगा तो इसी कारण से उन्होंने रॉलेट सत्याग्रह जो है बंद कर दिया, अपना जो है ये आंदोलन उन्होंने वापस ले लिया. अब देखो इस टॉपिक के बारे में हमारे नोट्स में क्या दे रखा है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. देखो क्या दे रखा है, पहला पॉइंट है दिस एक्ट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years.
इस एक्ट ने जो है गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा बड़ी पावर दे दी थी। क्या पावर थी वो? अगर कोई भी जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी करता मिला, उसको सीधा जो है 2 साल की जो है सजा सुना दी जाएगी बिना किसी ट्रायल के, मतलब उसे जो है अपनी बेगुनाह साबित करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख रखा है? दिस एक्ट वॉज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो है एक्ट पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। इस एक्ट को जो है अब जानते हैं, इसके एक्ट को जो है जाना गया ब्लैक लॉ के नाम से भी, ऑल्सो नोन एज ब्लैक लॉ। ठीक है, इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है? गांधी जी लॉन्च सत्याग्रह टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। गांधी जी ने जो है रॉलेट सत्याग्रह नाम का जो है सत्याग्रह आंदोलन भी चला दिया इस एक्ट के खिलाफ। इसके अलावा क्या पॉइंट दे रखा है? गांधी जी स्टार्टेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसऑबिडेंस विद हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। गांधी जी ने जो है नॉन वायलेंस और सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट जो है स्टार्ट किया था हड़ताल के साथ में 6 अप्रैल को। मतलब गांधी जी ने जो है बिना जो है शोर शराबे के, मतलब कि बिना जो है मारपीट किए, हम लोग जो है हड़ताल करेंगे इस एक्ट के खिलाफ, ये जो है उन्होंने कहा। और हड़तालें की थी जिसकी वजह से बहुत सारे वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, और हमने पढ़ा था कि रेलवे जो स्टेशन थे, वर्कशॉप से दुकानें थी, उनको बंद कर दिया गया। इसके अलावा देखो क्या पॉइंट दे रखा है? ब्रिटिश गवर्नमेंट पिक्ड अप द लीडर फ्रॉम द अमृतसर पंजाब एंड गांधी जी वाज बैरिड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। तो मतलब क्या किया ब्रिटिशर्स ने? उन्होंने देखा कि अब तो ये जो है ये कम्युनिकेशन लाइन को खराब कर सकते हैं वर्कर्स, तो उन्होंने क्या किया, अमृतसर पंजाब से बहुत सारे जो है पॉलिटिकल लीडर्स को जो है उठा करके जेल में डाल दिया। इसके अलावा गांधी जी के दिल्ली जाने पर जो है रोक लगा दी। इसके अलावा क्या पॉइंट दिया है? इन पंजाब मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड एंड जनरल डायर टू कमांड। जब ये देखा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लोग जो है धरने पे बैठने लगे हैं और लोग जो है सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक लॉ पास कर दिया जिसका नाम था मार्शल लॉ। अब जो है मिलिट्री के पास पावर चली गई थी, और जिनका जो है कमांडर कौन था? जनरल डायर। अब देखो आगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है जलियांवाला बाग अमृतसर 13 अप्रैल। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। अब देखो क्या लिख रखा है। ऑन 13 अप्रैल 1919 अ क्राउड ऑफ विलेजर्स हु हैड केम टू अटेंड द बैसाखी फेयर गैदर्ड इन द इनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ, बैसाखी का मेला मनाने के लिए जो है जलियांवाला बाग में जो है बहुत सारे गाँव वाले इकट्ठा हुए थे। अब देखो आगे क्या पॉइंट दे रखा है। बींग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी मैनी वर नॉट अवेयर अबाउट द मार्शल लॉ दैट हैज बीन इम्पोज्ड एज द रिप्रेसिव मेजर। मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिटी से बाहर के थे, तो उन्हें पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ जो है इम्पोज किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन सम वर डूइंग द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। लेकिन कुछ उनमें से जो है वहां पर जो है रॉलेट एक्ट के जो है खिलाफ थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो आगे क्या हुआ। जनरल डायर एंटर्ड इन द एरिया विद द मिलिट्री एंड क्लोज ओनली एग्जिट पॉइंट विदाउट एनी वार्निंग टू द असेंबल्ड पीपल एंड ऑर्डर द ट्रूप्स टू फायर एट द क्राउड किलिंग हंड्रेड्स। मतलब जनरल डायर जो है एकदम से अपनी मिलिट्री लेकर के वहां पहुंच जाते हैं, और जो एग्जिट पॉइंट था, जितने भी जो है बाहर जाने के रास्ते थे, उनको वो बंद कर देते हैं, और अपने आर्मी मैन को जो है ये ऑर्डर दे देते हैं कि वो जो है गोलियां चला दें, जिसके अंदर जो है बहुत सारे जो है लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। आप देखो आगे दे रखा है। एज द न्यूज इन जलियांवाला बाग स्प्रेड द क्राउड टुक टू द स्ट्रीट्स इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जैसे ही लोगों को पता चला जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, तो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे वो रोड पे आ जाते हैं, हड़तालें करने लगते हैं, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग थी उन पे जो है हमला कर देते हैं। अब देखो क्या दे रखा है। देवर हड़ताल क्लैशेस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग। जैसे ही जो है नॉर्थ इंडिया के लोगों को पता चला जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में, तो लोग जो है रोड पे आ गए। ठीक है, रोड पे आकर उन्होंने हड़ताल करनी शुरू करी, अटैक करना शुरू करा गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को। ठीक है, तो आगे दे रखा है गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन। ठीक है, अब जो है ब्रिटिशर थोड़ा ना बैठने वाले थे। जिस तरीके से जो है नॉर्थ इंडिया के लोग जो है हड़ताल कर रहे थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इतनी ही पावर से उन्हें झुकाने की कोशिश करी थी। ठीक है, उनसे नाक रगड़वाई थी, उनसे जो है सैल्यूट करवाया, इस तरीके के जो है काम उन्होंने उनसे करवाए। तो आज इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, आने वाली क्लास में हम जो है इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ एक पॉइंट इसमें रहते हैं कि गांधी जी ने जब जो है सत्याग्रह मूवमेंट चलाया था, और गांधी जी का के हिसाब से जो है इसका रिजल्ट नहीं आया, तो अब गांधी जी ने जो है आगे क्या किया। ठीक है, तो आने वाली क्लास में हम उसको कवर करेंगे। अगर वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट जरूर करना कि आपको ये चैप्टर जो है या फिर ये वीडियो जो है कैसी लगी।